हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो गाइस आज हम लोग दोबारा से खेलने वाले रोब्लॉक्स। और गाइस रोब्लॉक्स के अंदर आज हम लोग करने वाले डंजन एस्केप। उससे पहले गाइस यहां पर मैं ये वाला लीवर खींच देता हूं। अरे भाई साहब, आते ही यहाँ पर इतना बड़ा गड्ढा कैसे आ गए? अच्छा हुआ गाइस वहाँ पर मैं उस गड्ढे में बिल्कुल नहीं गिरा। और गाइस इस खतरनाक के लावा के ऊपर ये बैरल है गाइस, इनके ऊपर से यहाँ पर मेरे को जंप कर आगे की साइड जाना है। ऑल राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये वाली सीढ़ी चढ़ते और देखते हैं गाइस यहाँ पर ऊपर की साइड हमारे लिए कौन से ट्रैप बना कर रखे। राइट गाइस, यहाँ पर एक उड़न का प्लेटफॉर्म है, तो गाइस इसके ऊपर से मेरे को जंप करनी है। नहीं रे भाई साहब, यहाँ पर मैं नीचे की साइड कैसे गिर गया? यहाँ पर मैं गाइस दोबारा से कोशिश करूंगा और गाइस इस टाइम यहाँ पर मैं बिल्कुल नहीं गिरूंगा। और राइट गाइस, यहाँ पर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपनी मस्त जंप लगाऊंगा। और गाइस यहाँ पर मेरे को देखना है आगे भी हमारे लिए कौन से ट्रैप बिछा कर रखे। मैं तो हर एक ट्रैप कंप्लीट ही कर दूंगा भाई सब। ऑल राइट फर्स्ट ऑफ ऑल तो चलते और मेरे को नीचे की साइड एक बार देखो तो गाइस बस लावा ही लावा नजर आ रहे हैं। और भाई सब, ये लावा और रोब्लॉक्स का एक अलग ही लेवल का कनेक्शन है भाई सब। जा और राइट गाइस, यहाँ पर बहुत खतरनाक से स्पाइक है। और गाइस जैसे यहाँ पर मैं आगे की साइड जा रहा हूँ ना, ये स्पाइक की रेंज बहुत खतरनाक होती जा रही है। यहाँ पर गाइस मैं जैसे आगे की साइड आ रहा था ना, यहाँ पर गाइस बहुत सारी स्पाइक्स की रेंज बढ़ रही थी गाइस, मतलब वहां पर उनकी स्पीड भी बढ़ रही थी। और राइट गाइस, ये वाली सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की साइड जाते हैं। और गाइस ये वाली सीढ़ियां मेरे को कहीं पर तो ऊपर की साइड लेकर आई। यहाँ पर मोमबत्ती क्या कर रही है भाई साहब? ऑल राइट, यहाँ पर सामने की तरफ एक डोर है। और गाइस वो वाला डोर यहाँ पर लॉक है, उसकी चाबी ढूंढनी थी। नहीं भाई साहब, मरना नहीं था यहाँ पर। यहाँ पर पीछे की साइड एक बॉक्स है और गाइस उसी बॉक्स में से मेरे को एक चाबी मिल चुके, तो फटाफट ये वाला डोर खोलता हूँ। उसके बाद गाइस यहाँ पर सामने की तरफ आता हूँ तो मेरे सामने यहाँ पर चूहे पकड़ने वाले ट्रैप भाई साहब। ये चूहे पकड़ने वाले ट्रैप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ऑल राइट, इनके बीच में मेरे को बिल्कुल नहीं फंसना भाई साहब। मैं जैसे ही इनके ऊपर से जंप लगाऊंगा ना, मैं तो यहाँ पर मस्त अपना आगे की साइड निकल जाऊंगा। अरे यार, पीछे की साइड एक लड़की मर गई और गाइस मैं आगे की साइड मर गया। उस लड़की को देखने के चक्कर में यहाँ पर मैं मर गया। अरे भाई साहब, कोई तो बोल के गए ना, लड़की का चक्कर बहुत बुरा भाई साहब। और सबसे पहले यहाँ पर इसके बीचों बीच से जंप लगाते और यहाँ से निकल जाते। ये चूहे पकड़ने वाले ट्रैप हमारे कोई काम के नहीं है। राइट गाइस, इसे भी मैंने बहुत सक्सेसफुली पार कर दिया। और गाइस सामने की तरफ हमारा चेक पॉइंट इंतजार कर रहे हैं। अभी गाइस यहाँ पर शायद से मेरे को नीचे की साइड जाना है। और भाई साहब, ये बंदा मेरे को कह रहा है कि नीचे की साइड जाना है, तो गाइस यहाँ पर मैं सीधा नीचे की साइड जाऊंगा। अरे नहीं, सीधा गाइस यहाँ पर मेरे को धरती पाताल एक कर नीचे की साइड फेंक दिया। और राइट, यहाँ पर दोबारा से कोशिश करता हूँ और इस टाइम मेरे को गिरना नहीं है, मेरे को गिरना नहीं है भाई साहब यहाँ पर। और राइट गाइस, यहाँ पर मैं नीचे की साइड आ चुका हूँ। और गाइस सामने की तरफ मेरे को एक रास्ता नजर आ रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो गाइस इसी रास्ते से मैं आगे की साइड जाता हूँ और मेरे को शायद से नीचे की साइड एक जंप लगा। और यहाँ पर सामने की तरफ आता हूँ तो देखता हूँ तो गाइस यहाँ पर मेरे को कुछ स्टोन के प्लेटफॉर्म नजर आ रहे हैं। उनको यहाँ पर नीचे की साइड मेरे को बिल्कुल नहीं टच करना है गाइस। यहाँ पर ऊपर की साइड आप बहुत सारे स्पाइक्स देख पा रहे हो और गाइस वो वाले स्पाइक्स यहाँ पर मेरे अंदर चले जाएंगे और मेरे शरीर को पूरा खोखला खोखला कर देंगे। और राइट, यहाँ पर आगे की साइड जाता हूँ तो गाइस सामने की तरफ मेरे को यहाँ पर बहुत सारा पार्कोर करना पड़ेगा। तो चलते हैं गाइस, यहाँ पर थोड़ा बहुत पार्कोर वगैरह कर लेते हैं और उसके बाद गाइस देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। और राइट, यहाँ पर ये क्या खतरनाक सा गोला है भाई साहब। ये वाला गोला तो मेरे को नीचे की साइड फेंक देगा ऐसा मुझे लग रहा है, और मैं बोल ही रहा था और नीचे की साइड इसने मुझे फेंक दिया। और नीचे की साइड यहाँ पर बहुत खतरनाक सा लावा है, मैं लावा में जलकर पूरा का पूरा खाक हो गया। और राइट, यहाँ पर दोबारा से, अरे भाई साहब पीछे की साइड नहीं जाना, आगे की साइड जाना है। मैं रास्ता कैसे भूल जाता हूँ? गाइस जब भी गाइस यहाँ पर मैं उसके ऊपर पैर रखता हूँ ना, तब भी गाइस यहाँ पर ये गोला एक्टिवेट होता है। तो गाइस मेरे को तो यहाँ पर इसके ऊपर पैर नहीं रखना। और राइट, यहाँ पर सामने की तरफ चलते हैं और यहाँ पर एक बड़ी सी जंप लगानी और उसके बाद गाइस देखना यहाँ पर मेरे लिए और भी कौन से खतरनाक से ट्रैप बनाकर रखे। आजू बाजू गाइस यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत देखूँ तो मेरे को मशाल वगैरह नजर आ रहे हैं। और सामने की तरफ यहाँ पर एक पोर्टल है, गाइस इसी पोर्टल से होते हुए आगे की साइड जाते। और भाई सब, यहाँ पर मेरे को बहुत खतरनाक सा लावन है भाई सब, ये एक एसिड है और ये एसिड बहुत ज्यादा खतरनाक है और ये मेरी स्पीड बहुत ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो चुकी है। तो गाइस मेरे को यहाँ पर मेक श्योर नीचे की साइड नहीं गिरना और गाइस आगे की साइड चलते जाने। ऑल राइट, बिल्कुल इसी तरह। ऑल राइट गाइस, इसे भी मैंने बहुत इजीली पार कर दिया। और गाइस सामने की तरफ मेरे को और एक पोर्टल नजर आ रहे, तो फटाफट गाइस इसी पोर्टल से होते हुए आगे की साइड जाते हैं। पर मैं आगे की साइड आ चुका हूँ और गाइस नीचे की साइड एक बार देखो, मेरे को यहाँ पर कुछ एसिड और लावा नजर नहीं आ रहा भाई साहब। ये कोई तो एक अलग ही लेवल का लिक्विड है और ये लिक्विड बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि गाइस लावा और एसिड हमें पता है कैसा होता है, लेकिन गाइस ये वाला लिक्विड मेरे को बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है। तो गाइस मेरे को तो यहाँ पर बिल्कुल नीचे की साइड नहीं गिरना। अच्छा हुआ गाइस यहाँ पर मैं नीचे की साइड नहीं गिरा, वरना यहाँ पर मेरी हड्डी पसली एक हो जाती। और गाइस सामने की तरफ यहाँ पर एक ब्रिज, और गाइस इसी ब्रिज को यहाँ पर एक्टिवेट करने के लिए एक लीवर था,
वो तो गाइज यहाँ पर मैंने दबा दिया और उसके बाद गाइज यहाँ पर ये वाला ब्रिज भी मैंने क्रॉस कर दिया और सामने की तरफ गाइज यहाँ पर हमारा चेक पॉइंट है, तो फटाफट गाइज ये वाला चेक पॉइंट में ले लेता हूँ। उसके बाद गाइज यहाँ पर मेरे को बहुत ज्यादा चलकर जाना है भाई सब, चलते चलते मैं पूरा का पूरा बूढ़ा हो जाऊंगा, लेकिन गाइज ये वाला रास्ता खत्म नहीं होगा मेरे को लग रहा है। ऑल राइट चलते है गाइज यहाँ पर आगे की साइड, और गाइज यहाँ पर भी मेरे को बहुत संभल कर जंप लगानी है, वरना गाइज यहाँ पर मैं नीचे की साइड गिर गया ना तो मेरी तो यहाँ पर हड्डी पसली एक हो जाएंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो गाइज ये वाला चेक पॉइंट में ले लेता हूँ, चेक पॉइंट भी लेना भाई सब बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गाइज हम एक भी चेक पॉइंट मिस कर देते हैं ना तो गाइज जैसे यहाँ पर मैं मरता हूँ तो गाइज मैं पीछे की साइड स्पॉन होता हूँ और गाइज मेरे को दोबारा से पार्कोर करना पड़ता है, जो कि गाइज मेरा बिल्कुल मन नहीं होता। ऑल राइट गाइज यहाँ पर मेरे को सामने की तरफ एक एलिवेटर नजर आ रहा है और गाइज इसी एलिवेटर को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर एक लीवर है, तो गाइज ये वाला लीवर तो मैंने दबा दिया और गाइज फटाफट यहाँ पर ऊपर की साइड चलते और गाइज देखते हैं यहाँ पर हमारा एस्केप होगा या नहीं होगा। ऑल राइट गाइज यहाँ पर मैं ऊपर की साइड आ चुका हूँ और गाइज यहाँ पर सामने की तरफ लावा है, इतनी देर तक गाइज यहाँ पर नीचे की साइड लावा था, अभी गाइज यहाँ पर मेरे बिल्कुल पैरों के साइड में लावा आया है, तो गाइज फटाफट इसको भी इग्नोर मारते हैं और चलते हैं ये वाली सीढ़ियाँ चढ़कर और देखते हैं यहाँ पर आगे की साइड क्या है। ऑल राइट गाइज यहाँ पर आगे की साइड तो मेरे को एक बहुत खतरनाक सा डायनासोर का मुंह नजर आ रहा है भाई सब, और मेरे को क्या अभी इस डायनासोर के मुंह के अंदर जाना है क्या? अरे ये स्पाइक्स वगैरह मेरे को लगेंगे तो नहीं, ये डायनासोर के दांत बहुत ज्यादा खतरनाक है और एक बार गाइज इसके शरीर के अंदर आने के बाद मेरी तो यहाँ पर हड्डी पसली एक हो जाएंगी। ऑल राइट यहाँ पर मैं इसके पेट के अंदर ही आ चुका हूँ, लेकिन गाइस सीधा यहाँ पर मैंने चेक पॉइंट के ऊपर लैंडिंग कर दी और गाइस ये लैंडिंग तो बहुत ज्यादा अच्छी थी और गाइस इसी लैंडिंग के लिए यहाँ पर एक लाइक तो बनता है। सबसे पहले यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक तरह के कंकाल होते हैं ना गाइस, कंकाल के ऊपर जो मुंह होता है ना गाइस वो वाला मुंह यहाँ पर है, तो गाइस इनकी खोपड़ियों के ऊपर से मेरे को जंप करनी है और आगे के साइड चले जाना है। और ये क्या डायनासोर के शरीर के अंदर ये क्या है भाई सब, यहाँ पर डायनासोर के फ्रीजर वगैरह खा गया है क्या? आजू बाजू यहाँ पर मेरे को सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रहा है भाई सब, ये वाला बर्फ यहाँ पर पिघलेगा नहीं ना, वरना यहाँ पर ये बर्फ पिघलेगा ना तो यहाँ पर मैं भी पिघल जाऊंगा। एक बार यहाँ पर गाइज ये फ्रिज निकल रहा है, दूसरी बार गाइज यहाँ पर ये लावा निकल रहा है, ये भाई सब डायनासोर नहीं बहुत खतरनाक डायनासोर है, एक साथ यहाँ पर ठंडी और गर्म दोनों चीजें यहाँ पर रखता है, तो गाइज इसके बीचों बीच से मेरे को जंप कर आगे की साइड जाना है। ऑल राइट गाइज इसे भी मैंने बहुत इजीली पार कर दिया और गाइज यहाँ पर मैं नीचे की साइड बहुत खतरनाक से जंप लगा कर आ चुका हूँ और गाइज यहाँ पर सामने की तरफ मेरे को एक सीढ़ी नजर आ रही है, तो गाइज ये वाली सीढ़ी चढ़ते और ये सीढ़ी तो बहुत ज्यादा लंबी लग रही है, इसको चढ़ते चढ़ते तो मैं पूरा का पूरा बूढ़ा हो जाऊंगा, लेकिन गाइज ये वाली सीढ़ी यहाँ पर खत्म नहीं होगी। और राइट गाइज यहाँ पर मेरे को सामने की तरफ एग्जिट नजर आ रही है, तो गाइज ये वाला डंजन एस्केप भी हमने कर दिया। और राइट गाइज आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम ट्विटर फेसबुक पर फॉलो करना। मैं मिलता हूँ गाइज आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गाइज गुड बाय।